देखिए रॉयल इनफील्ड पे ये लोग लगे हुए हैं। पहले हमारे सेकंड फ्लोर पे थे जहाँ पर चांद सर रहते थे। पहले आते थे डेमो इंजन वाले फर्स्ट फ्लोर, फिर चांद सर के पास दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर है। ये रॉयल इनफील्ड है, ये BS6 है और ये BS4 है। ये लोग आगे लगे हुए हैं सर्विस करने, टायर चक्का कैसे निकलता है, फिटिंग कैसे होती है, एक्सल कैसे लगता है, डिस्क ब्रेक कैसे लगती है, ड्रम ब्रेक कैसे लगती है, वो देख रहे हैं। और ये लोग एक एक करके इंजन को फिट कर रहे हैं। मतलब पांच लोग का बैच है तो पांच बार ये इंजन को खोलेंगे, पांच बार इसको लगाएंगे, मतलब पांच पांच बार करना है पूरा फिटिंग, और फिर इसको गाड़ी में लगा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अभी क्या ये आपने गियर का समझ लिया? हाँ। गियर फिट करना समझ लिया आपने? अब आप करेंगे इसको? जी सर। ठीक है, तो सबको एक एक बार करना है आज से। जी सर। ठीक है, तो ये कितने गियर होते हैं इसमें? पांच। तो नॉर्मल बाइक से अलग क्या है इसमें? ये ड्रम अलग दिया है थोड़ा। क्या चीज? ये ड्रम। ड्रम अलग है। मतलब जलेबी सिस्टम आता है सर इसमें। कौन सा सिस्टम? जलेबी टाइप बोलता है ऐसे नॉर्मल देसी। जलेबी देसी भाषा में। ठीक है, देसी भाषा में जलेबी टाइप का होता है। जलेबी टाइप का ड्रम सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, मतलब ड्रम जो आता था गोल घूमने वाला, वो नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, और गियर का थोड़ा मतलब सेम ही है, सेम ही उसमें ही होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर। अच्छा, प्लस साइड। आपने कर लिया एक बार पूरा गियर समझ लिया, फिर आपने कर लिया? नहीं सर, अभी आप करेंगे। एक बार आपने किया, आपने कर लिया, अब आपका तीसरा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा इंजन ये इन्होंने खोला हुआ है। ये अभी इस पार्ट पे बाद में आएंगे। ये पूरा हेड है हमारा, ये पिस्टन सिलेंडर है, ये क्लच प्लेट्स है, ये टाइमिंग क्लच का सब सिस्टम है, ये लेफ्ट एटर कवर है, ये क्रैंकशाफ्ट है इसकी, ये पिस्टन है। इस वाले पार्ट पे अभी बाद में आएंगे। अभी एक एक करके सिलेबस टू सिलेबस क्या चलता है, गियर फिट करना सीखो, क्रैंक केस फिट करना सीखो, उसके बाद बाकी पार्टों पे आएंगे। तो ये रॉयल एनफील्ड कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरी गाड़ी को नंगा करते हैं, एक एक नट बोल्ट, चाहे रियर हो, फ्रंट हो, हैंडल हो, वायरिंग हो, पूरे के बाद नंगा करेंगे, फिट करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये BS4 है, यहाँ BS6 है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये R15 है, रॉयल इनफील्ड है, पल्सर है, BS6 स्प्लेंडर, ये BS6 है, ये BS4 है, वो BS6 है। यहाँ पर एक्टिवा BS6 है, ये रॉयल इनफील्ड BS6 है, ये KTM BS6 है। तो यहाँ पर ये एडवांस गाड़ियों के लिए कहाँ पर आते हैं, ये स्टूडेंट तीसरे फ्लोर पर। देख लिए पूरा फ्लोर खाली है, कहीं भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। वो चांसर वहाँ बैठे, एक बैच को थ्योरी से समझा रहे कि KTM का इंजन है, KTM 390 cc। और ये BS6 KTM है। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर सेंसर BS6 में ये रहा। तो ये सब हंसी मजाक करके मस्ती के माहौल में सब सीखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर दो बैच है, एक हमारा साई सर के पास है जो क्या सीख रहा है, KTM का इंजन, और दूसरा हमारा रॉयल इनफील्ड सीख रहे हैं। ठीक है, और चांद सर यहाँ पर समझा रहे हैं इनको पिस्टन सिलेंडर का। इसीलिए 35 डिग्री पे रेडिएटर अपने ऑन हो जाए, और जो इसके अंदर गैलरी में जो कूलेंट रहे वो इसको स्लिप को ठंडा कर दे। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिक्विड कूल इंजन में गैलरी बनाते हैं। इसकी स्लिप क्या होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली होती है। इसीलिए जब जब इंजन बनेंगे, जब जब ये सिलेंडर ही चेंज करेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया, पहली रिंग इसकी होती है टॉप 1 स्टील की होती है, टॉप 2 अलॉय की होती है, ऑयल रिंग जिसमें स्टील प्लस फाइबर दो चिक्स मिक्स होती है। पोजीशन मैंने आपको बता दी कि ये पोजीशन इसकी सेट होगी, इस साइड में हम ज़्यादा रिंग नहीं रखेंगे। ये तो ये वो वाला बैच है जो चांद सर के पास से BS6 प्लेटिना, BS6 स्प्लेंडर, BS6 एक्टिवा, BS6 स्पोर्ट, BS6 TVS XL एंड्रॉइड, वो सारी बाइकें करके अब कहाँ गया है ये प्रीमियम बाइक्स की ट्रेनिंग करने। हर जगह के फ्लोर अलग है, ये पूरा इतना बड़ा सेंटर है और एक पूरे फ्लोर खाली है, किसके लिए, इन स्टूडेंट के लिए। वापस चांसर वहां समझा रहे हैं,
ये रॉयल इनफील्ड पर लग रहे हैं। अब मैं आपको आपको लेके चलता हूँ चांद सर के पास कि चांद सर अपने बैच को क्या करवा रहे हैं। मतलब ये इसको फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए एक फ्लोर, अब चलता हूँ दूसरे फ्लोर पे लेके आपको। तो अभी हम लोग आ गए सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पर साजिद सर थे, यहाँ पर अभी चांद सर है। कर दे ये वाला नहीं है, छोटा वाला है। ठीक है, छोटा वाला है। क्या कर रहे हो अभी? इंजन कौन सी गाड़ी का? पल्सर का। ठीक है, बड़ा है। ठीक है। तो वहाँ पर अभी ये जब डेमो इंजन करते हैं 15 टाइप के डेमो इंजन करने के बाद ये पहले इस फ्लोर पर आते हैं चांद सर के पास। यहाँ पर ये पल्सर कर रहे हैं, ये पूरी पल्सर है हमारी, ये पूरी खोल के उन्होंने यहाँ लगाई हुई है। फिर नेक्स्ट बैच है ये होंडा एक्टिवा, ये कर रहे हैं, ये एक्टिवा का इंजन कर रहे हैं। अभी पूरा इंजन को गाड़ी को खोलेंगे, जो पार्ट्स ख़राब है वो दूसरा डालेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं अभी इसमें दादा? सर अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो अभी क्या क्या चीज़ ख़राब निकली है इसमें से? इसमें से तो सर कुछ भी ऐसा कुछ ख़राब तो नहीं निकला। हाँ, चालू गाड़ी थी इसको। हाँ, लेकिन हमने पूरा इंजन डिसेंबल किया इसको। हाँ, बाद में फिर असेंबल किया पूरा। अभी स्टार्ट कर देंगे इसको। पूरा इंजन खोला था? रिंग पिस्टन हेड कैम क्रैंक A to Z। काका इंजन पूरा खोला कि खाली हाँ कर रहे हो? नहीं, खोला। ठीक है, अभी कर दोगे स्टार्ट इसको? होंगी इसका। ठीक है, ये अभी है BS4 और BS6 है, क्योंकि BS6 में हमारा कार्बोरेटर जगह फ्यूल इंजेक्टर, ये थ्रोटल बॉडी है इसकी जगह क्या आ जाता है? थ्रोटल बॉडी, ECM आ जाता है, फ्यूल पंप आ जाता है, और यहाँ पर जो सेल्फ और ऑल्टरनेटर उसकी जगह ACG स्टार्टर आ जाता है, वो ये लोग सीखेंगे BS6 से। ये इनका सेकेंड है, यहाँ पर ये BS6 हमारी TVS स्पोर्ट। दादा क्या कर रहे हो अभी इसमें? सर इसका इंजन खोले। अच्छा। और इंजन खोल के वापस फिट कर दिए इसको। अच्छा, अभी खोल रहे हो कि फिट कर रहे हो अभी? हाँ, अभी फिट कर रहे हैं। ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर, ये TPMS सेंसर, थ्रोटल बॉडी पोजिशनिंग सेंसर लीजिए, और ये यहाँ पर इसमें फिट करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये बैच BS6 स्पोर्ट, ये हमारा एक्टिवा, और ये हमारा पल्सर। तीनों गाड़ियों पे बैच का ट्रेनिंग चल रहा है। तीन बैच यहाँ लग रहे थे, दो बैच साइज सर के पास, बाकी गाड़ियाँ BS6 ये खड़ी हैं। ये BS6 स्प्लेंडर बहुत गाड़ियों में आपने इसको पूरा नंगा हो करके देखा हुआ, पूरा खुल्लम खुल्ला नंगी करके, लेकिन ऐसे पूरी फिटिंग होती है प्रॉपर शोरूम कंडीशन में, फिर खुलती है। ये BS6 TVS XL 100, बहुत लोगों का डिमांड रहती है कि BS XL 100 BS6 चाहिए, उनके लिए ये है। ये BS4 है, एक पल्सर एक्स्ट्रा में ये खड़ी हुई है, और प्लेटिना है सर, और बजाज प्लेटिना दिखाते हैं आपको। ये हमारी बजाज प्लेटिना BS6, इसमें BS6 होने के बावजूद भी क्या आता है? कार्बोरेटर। तो ये BS6 प्लेटिना यहाँ पर, और ये KTM। तो साई सर के पास भी देखा था KTM थी, यहाँ पर भी सब जगह पूरे फ्लोर पे भर भर के गाड़ियाँ अवेलेबल है। अब चलते हैं तीसरे फ्लोर पे कि यहाँ पर आने से पहले, साजिद सर के आने से पहले ये लोग कहाँ जाते हैं। ये देखिए जंगल, ये एक फ्लोर है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। ये आएंगे तो पहले क्या करेंगे ऐसे इंजन? अभी ये लोग आते हैं, पांच पांच से बैच चलता है, इस टाइप से हमको 15 इंजन खोलने हैं। 15 इंजन खोलेंगे, 15 इंजन फिट करेंगे, नट बोल्ट खोलना जाएगा, इंजन खोलना कसना जाएगा, फिर का जाएंगे वर्किंग बाइक्स पर। अभी कितना दिन हो गया सर आप लोग आए हुए? 20 दिन हो गए। आप कहाँ से आए थे? ओडिशा से। आप कहाँ से? आसाम से। आप सर? लखनऊ से। आप? झारखंड से। आप? कर्नाटका से। पांच स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर। ये 205 लोगों का बैच। अभी 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 कितने दिन हो गए आपको आए हुए?
ज्यादा दिन हो गए। आप कहाँ से आए थे? उड़ीसा से। आप कहाँ से आए थे? यूपी से। आप गोरखपुर से? आप आसाम से? आप पंजाब से? आप महाराष्ट्र से? तो 6 स्टेट के स्टूडेंट है, 6 स्टेट। आ जाओ। ये इनका बैच अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कितने दिन हो गए आए हुए? चार दिन हो गए। चार दिन में वेट करना पड़ता है कि अगले दिन से बैच चालू हो जाता है। जैसे आप 26 तारीख को आए होंगे, 25-26 को वेट किया कि एक तरह से चालू करेंगे कि आप ही चालू हो जाएगा अगले दिन से। मतलब एक स्टूडेंट तो भी स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा इंजन खोल रहे हैं? मतलब अकेले खोले तो रोक टोक नहीं होगी। आप कहाँ से आए थे? झारखंड से। आप? हम भी झारखंड। आप भी झारखंड से? आप गोरखपुर से? आप वेस्ट बंगाल। झारखंड से एक दो लोग अभी आ रहा है, मिल लिए नहीं मिले? आप अभी मिलवाते हैं। पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट आएंगे इस फ्लोर पे, पांच लोगों का बैच है।